नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, इंडिया की पहली 5-स्टार रेटेड कार के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ने सबसे पहले ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में ये बेहतरीन रेटिंग्स स्कोर किए थे और उसी के बाद ये इंडिया की सबसे सेफ कार भी बन गई थी। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, सेफ कार्स में 5 स्टार भी आता है और 4 स्टार भी आता है। 4 स्टार वाले गाड़ियों का परफॉर्मेंस रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में काफी अच्छा होता है और एज पर क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स वो सेफ भी होती हैं। इसीलिए इन्हें सेफ कार्स के कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया की पहली 4 स्टार रेटेड सेफ कार कौन सी थी? बहुत लोगों को पता होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। इंडिया की पहली 4 स्टार रेटेड या कहिए सेफ कार फोक्सवैगन की पोलो थी, जिसने 2014 में ही ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अच्छे पॉइंट्स के साथ ये रेटिंग्स स्कोर कर लिए थे। और यही गाड़ी थी जिसके रेटिंग्स और रियल लाइफ एक्सीडेंट्स ने पूरी तरह भरोसा दिला दिया था कि जर्मन ब्रांड्स के गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त होती है। और इसका एक एग्जांपल आप आज के इस एक्सीडेंट में भी देखेंगे, जिसे गुजरात से मिस्टर दर्पण सिंह रॉल जी ने शेयर किया है। आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले गुजरात के राजकोट में फोक्सवैगन पोलो और कंटेनर के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट में नेशनल हाईवे पर दोनों गाड़ियां जा रही थी, तभी किसी वजह से कंटेनर का ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और कंटेनर पोलो के ऊपर ही पलट गया। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये चीज नहीं पता कि एक्सीडेंट का मेन रीजन क्या था, या दोनों गाड़ियां सेम लेन में चल रही थीं या ऑपोजिट लेन में चल रही थीं। हो सकता है ये दोनों गाड़ियां ऑपोजिट लेन में चल रही हों और किसी वजह से अचानक अनकंट्रोल होकर एक किस तरफ आ गई हो। अब वैसे तो ज्यादातर ऐसे सिचुएशंस हैवी व्हीकल्स वालों के साथ क्रिएट होते हैं और इस जगह भी शायद वही हुआ हो। खैर, जो भी हुआ, आप देख पा रहे होंगे कंटेनर का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से हैचबैक के ऊपर रखा हुआ है। अब ये कंटेनर भरा था या खाली था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके वेट से गाड़ी पूरी तरह नीचे दब गई है। हालांकि ना तो इसका छत बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और ना ही पिलर्स कहीं से भी थोड़े मुड़े हैं, ये वैसे के वैसे ही इंटैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे गाड़ी के विंडोज और विंडशील्ड भी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, ये भी नहीं टूटे हैं, जिससे पता चल रहा है इंपैक्ट इन तक भी नहीं पहुंचा है। हालांकि शायद डिवाइडर में लड़ने की वजह से हैचबैक का बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर और डोर वगैरह में नुकसान आ गया है, साथ ही बैक साइड भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। बात करें पैसेंजर्स की तो गाड़ी में बैठे सभी लोग बिल्कुल सेफ थे, किसी को इसमें चोट नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कंटेनर ड्राइवर भी सेफ हो। तो भाई, ये वाकई में खतरनाक एक्सीडेंट था और यहाँ कोई कमजोर स्ट्रक्चर वाली गाड़ी होती तो नो डाउट कहीं ना कहीं उससे कंटेनर का लोड नहीं संभलता और पिलर बेंड हो जाते या फिर छत नीचे घुस जाता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये घटिया नहीं बल्कि मजबूत स्ट्रक्चर वाली कार है और ये चीज इसने 2014 में ही बता दिया था। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ये हैचबैक इंडियन मार्केट में नहीं बेची जा रही है, लेकिन उम्मीद है फोक्सवैगन अपने इस दमदार गाड़ी को आने वाले टाइम में जरूर लॉन्च करेगा, क्योंकि इन जैसे गाड़ियों की और इन जैसे कंपनियों की हमें बहुत जरूरत है। बाकी आपको फोक्सवैगन पोलो कैसी लगती है और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या मानना है, कॉमेंट में बताइए।